हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय अवध स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर्म 10 में। आज की हमारी क्लास 9th क्लास का 5th लेक्चर है और आज की क्लास में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ हमारे 8th चैप्टर में, ठीक है। तो उस चीज़ को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही आज से पहले के अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो 4 लेक्चर इससे पहले आ चुके हैं, तो उन सभी का लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। सबसे पहले हमें इस जो हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें देखना होगा कि हमारा सर्कुलर मोशन क्या है, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन जब हमें पता लगेगा उसी के बाद हम यूनिफॉर्म क्या होता है सर्कुलर मोशन में उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यही है कि जो हमारा मोशन है ये क्या है, तो ये हमारा था चेंज इन पोजीशन। जब किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर कोई चेंज आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मोशन, ठीक है, कि वो बॉडी मोशन कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा सर्कुलर, जब ये किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूवमेंट करती है, जब हमारी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर या कोई सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर जब हमारी बॉडी मूव करेगी तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि सर्कुलर मोशन जो है हमारी बॉडी वो कर रही है, ठीक है। वही बात करें हम यूनिफॉर्म सर्कल की, सर्कुलर मोशन की, तो किसी सेम या किसी कॉन्स्टेंट स्पीड से या यूँ कहें किसी यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से जब हमारी बॉडी कोई मूवमेंट करती है किसके अलोंग, किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस या फिर किसी सर्कुलर पाथ पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये 3 चीज़ें थी हमारी, मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, ठीक है। तो पहले हम हमारी सर्कुलर मोशन क्या है ये चीज़ लिखते हैं, देखते हैं फिर आगे हमारा यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो ये हमारा जो है सर्कुलर पाथ है, ये इसकी जो है रेडियस आर है, ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, मान लीजिए कि हमने कोई थ्रेड से कोई स्टोन जो है वो बांधा है, कोई पत्थर बांधा है और उसको हम मूव कराते हैं, उसको हम अपने सर पर पकड़ करके और ऐसे ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं, ठीक है, स्पीडली उसको घुमाते हैं। तो किसी स्पीड से जो हमारा स्टोन है वो किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ एक हमारे चारों तरफ जो है राउंड लगाएगा, ठीक है, मोशन करेगा। तो उस चीज़ से हम क्या, हमें जो मोशन उस टाइम पर हमारे उस स्टोन के द्वारा मिलेगा, जो हमारा स्टोन है वो जो मोशन उस टाइम पर फॉलो कर रहा है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वो पाथ कैसा होगा हमारा, सर्कल की फॉर्म में होगा। जो थ्रेड हमारा जो हमने यहाँ से पकड़ा है और उस स्टोन के बीच में जो कनेक्ट है, तो ये हमारा रेडियस का काम करेगा। तो वही चीज़ है, ये हमारी क्या है, ये रेडियस हो गई, ये हमारा क्या है, ये थ्रेड हो गया। जब हम स्टोन को चारों तरफ मूव करवा रहे हैं, हम उसको मोमेंट दे रहे हैं, उसको मोशन दे रहे हैं, तो हमारा जो वो स्टोन है वो कैसा पाथ बना रहा है, वो कोई सर्कुलर फॉर्म में जो है ये हमारा जो है ये पाथ बनाएगा। तो ये हमारा वो क्या हो गया, ये हमारा सर्कुलर मोशन हो गया, इसके अलोंग जो है वो हमारा सर्कुलर मोशन करेगा। मान लेते हैं उसकी ये डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ही कि ये कहाँ चल रहा है। अब हमारा जो वो स्टोन था वो ऐसा तो नहीं है कि कभी तो यहाँ आ गया, कभी फिर यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया। उसकी एक फिक्स्ड जो हमने थ्रेड जितनी उसकी लेंथ ली हुई है हमारे थ्रेड की, वो कॉन्स्टेंटली उसी थ्रेड की जो रेडियस है उसी के अलोंग जो है सर्कल बना रहा है, उसी के अलोंग काम कर रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब सर्कुलर मोशन होगा उसका मतलब ये है कि उस सर्कल में घूमेगा। सर्कल में घूमने का मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ कहीं चक्कर काटता घूमेगा, नहीं, वो कहाँ घूमेगा, हमारे ये सर्कुलर जो पाथ है इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। कि वो सर्कल के फॉर्म में कोई रोड है, कोई पाथ है, तो उस चीज़ को जो है वो फॉलो करेगा और उसी उसमें वो जो है काम करेगा। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो पहले लिख लेते हैं कि हमारा सर्कुलर मोशन क्या है।
फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये जब कोई बॉडी हमारी किसके अलोंग काम कर रही है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, और जो हमारा सर्कुलर पाथ था, तो ये चीजें जो है हमारी, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, सर्कुलर पाथ और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के अलोंग जब कोई बॉडी जो हमारी मूवमेंट करेगी, कोई मोशन करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। वहीं अगर हम लिखें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो उसके लिए लिखना होगा व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अलोंग when a body is moving with constant या फिर यूं कहें uniform speed along a circular path or circumference of सर्कल, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा जब हमारी बॉडी किसी कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ और कहाँ मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ के अलोंग या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के अलोंग जो हमारी बॉडी मूव करेगी, मोशन करेगी, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड कहें या डिस्प्लेसमेंट की टर्म, अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उस टर्म में क्या कहेंगे, उसको वेलोसिटी कह देंगे। तो उस चीज़ को हम इससे जो हमारा ये सर्कुलर पाथ है इसमें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मैं स्पीड ओब्लिक वेलोसिटी, ठीक है, फॉर्मूला तो वही सेम होना है क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट में भी होना है और इसमें भी होना है, स्पीड में भी। स्पीड में ये जो बॉडी ने कवर किया है जो डिस्टेंस उसके अपॉन में टाइम आएगा, वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है उसके बीच में और टाइम के बीच का रेशियो है। तो जो हमारा इसका फॉर्मूला बनता है वो क्या है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमारी बॉडी ने, यहाँ पर हमारी बॉडी ने ट्रैवल किया, मान लीजिए कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से एक चक्कर लगाएगी क्योंकि सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है हमारी, 2πr। अब 2πr हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब बात आती है कि एक जो हमारा, मान लीजिए कि एक सर्कल जो है, ये एक चक्कर, एक राउंड जो है उसने कंप्लीट लगाया है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr। अब इसको जो कवर करने के लिए उसने टाइम लिया है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, टी। ये टी जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये टाइम इंटरवल है कि उसने एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया, टी टाइम। तो यही हमारे जो है इसका फॉर्मूला होगा, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है,
अगर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ है और वो मूव करते हुए यहाँ आकर के रुक गई, तो हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको लेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए। स्पीड निकालनी है तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक आएंगे, जो ये डिस्टेंस होगा हमारा 3/4 2πr, उसको हम यहाँ लिख देंगे और उस हिसाब से हम इसकी जो कैलकुलेशन है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो सॉल्व करेंगे। तो आपकी नोट जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये टॉपिक जो है थ्योरेटिकली दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एक बार उसको लाइन टू लाइन जब उसकी रीडिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है, एक बार आप अपनी नॉलेज के लिए, अच्छे से समझने के लिए उसको जा करके पढ़ें। यही था नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या है, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये तीनों ग्राफ जो है किन्हीं 3-4 अलग अलग सिचुएशन में कैसे बनाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, बेसिक नॉलेज इनकी, ये हमारा जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ उससे ऊपर करेंगे ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आए। और आपको जब डायग्राम की फॉर्म में कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन आए आपका, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, वेरियस ग्राफ्स की। वेरियस ग्राफ में हमने जो अभी मैंने नाम बताए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इन तीनों को डिस्कस करेंगे। उन तीनों पर जाने से पहले हमारा जो बेसिक फंडा है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का, पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास, हमें पता है ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो पिछली क्लास में भी जो है मैंने आपको बताया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम इन दो एक्सिस के बीच में कोई ग्राफ जो है ड्रॉ करते हैं, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का, किन्हीं दो क्वांटिटीज का, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे पास जो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उन दोनों में से, वो हमारी एक्स एक्सिस के साथ आएगी और जो इस एक्स एक्सिस वाली पर डिपेंडेंट करेगी, इसकी मूवमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगी, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस में लिखेंगे। मान लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ जिसको हम बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, घटेगी या बढ़ेगी या फिर कॉन्स्टेंट रहेगी, तो वही चीज़ हमने देखनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा टाइम लिखेंगे और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी लिखेंगे, क्योंकि टाइम अपना एक बार चल पड़ा, हमने काउंट डाउन शुरू कर दिया तो वो चल पड़ेगा, उस पर वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं है। हाँ, वेलोसिटी पर टाइम का फर्क है, तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट हुआ वो क्या हुआ, टाइम, और जो डिपेंडेंट हुआ, इस टाइम के ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है, हमारी वेलोसिटी। तो ये चीज़ जो है हमारी बेसिक चीज़ है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने की। अब बात करती है कि एग्जामिनर हमारा एक्स एक्सिस को ही यहाँ की बजाय यहाँ लिख दे, या फिर इस टाइम को यहाँ लिख दे और वेलोसिटी को यहाँ लिख दे, वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जो बेसिक हमारी किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने की जो फंडामेंटल जो चीज़ होती है वो क्या है, कि इंडिपेंडेंट टर्म हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ली जाती है और जो डिपेंडेंट टर्म होती है वो वाई एक्सिस के लोंग ली जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम हमारे ग्राफ्स पर आते हैं, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स पर, तो वो देखते हैं क्या है। तो ये हमारे जो हैं ये अलग अलग ग्राफ्स हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है एक्स टी ग्राफ, इसको बोलते हैं हम पोजिशन टाइम ग्राफ। ये सेकेंड हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी टी ग्राफ। और लास्ट जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारा ए टी ग्राफ, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, इसमें हमने क्या करना है, आप लोग भी आपकी नोटबुक में जो है ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारी एक्सेलरेशन है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, टाइम जो है हमारा, हर एक जो ग्राफ है हमारा इसके अंदर कहाँ है, हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन ये सभी हमारे वाई एक्सिस के लॉन्ग है। अभी मैंने रीजन बताया आपका, ऐसा क्यों है, ये इंडिपेंडेंट है और ये हमारे इस टाइम के साथ डिपेंडिंग है, डिपेंडेंट, ठीक है। तो अब इसमें हम अलग अलग कंडीशन में इन तीनों ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे कि ये तीनों ग्राफ जो है हमारे वो क्या होंगे, क्या इनका रोल होगा, ठीक है। मान लेते हैं फर्स्ट जो हमारी कोई पोजीशन दी हुई है वो क्या है, कि हमारी बॉडी जो है वो कहाँ है, वो हमारी बॉडी रेस्ट पर। तो फर्स्ट जो इसका केस हम लेकर के चलेंगे वो क्या लेकर के चलेंगे, कि बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए
कि हम यहाँ खड़े हैं किसी पोजीशन पर, ठीक है। यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि कोई बॉडी 2 मीटर के डिस्टेंस पर हमसे क्या है, ये हमारी बॉडी ए है और ये हमारे सामने रखी हुई है या वहाँ पर खड़ी, ठीक है। अब हमने इसको स्टार देखा कि ये वहाँ पर है, हमने स्टार्टिंग में जब ऑब्जर्व किया तो ये वहीं पर रखी है, जीरो बिल्कुल जो स्टार्टिंग जो सेकंड था हमारा उस पर, ये हमारा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये एक्सिस है और 4 सेकंड, ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया। इस तरफ अगर हम बात करें तो 2, 4, 6, 8 या आप यूनिट्स जो हैं ये जो क्वांटिटी है ये कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्कस ऐसा करें हैं कि 2 मीटर हमने एग्जांपल ले लिया तो 2 के हिसाब से मैंने ऊपर कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इसमें है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर दो इसकी, 2, 4, 6, 8, 8, 6, 4, 2, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए ग्राफ था, इसमें हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में जब बिल्कुल रेस्ट में है बॉडी, जब हमने फर्स्ट हमारा इम्पैक्ट पड़ा तभी से हमारा टाइम स्टार्ट होगा, तो हमारा जो फर्स्ट टाइम इम्पैक्ट पड़ा तो वो उस टाइम पर कहाँ थी, 2 मीटर दूर हमसे थी, तो ये 0 टाइम था उस टाइम पे, और हमारा जो था बॉडी जो थी वो कहाँ रखी थी, 2 मीटर डिस्टेंस पर रखी थी हमसे। फिर हमने क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो हमने दोबारा देखा तो 1 सेकंड के बाद देखा तो भी बॉडी वहीं रखी है तो इसके ऊपर कहाँ आ गया, ये आ गया। फिर 2 सेकंड बाद देखा तो भी बॉडी वहीं पर है, 3 सेकंड बाद देखा तो भी बॉडी वहीं पर है, तो ये ऐसे हम देखते जा रहे हैं, लेकिन बॉडी जो है वो कहाँ है हमारी, 1 सेकंड पर भी 2 मीटर पर है, 2 सेकंड पर भी 2 मीटर पर है, 3 सेकंड पर भी 2 मीटर पर है, ऐसे 4 पर भी 2 पर है। तो यहाँ से हमारी ग्राफ की जो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी होगी, कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन, ये कॉन्स्टेंटली है, ठीक है, और ये कहाँ जा रही है, केवल 2 मीटर पर ही है, तो ये हमारी क्या होगी, बॉडी होगी। अब बात करते हैं कि वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या था हमारा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जो चेंज इन पोजिशन था या कहें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी को तो हमने वेलोसिटी बोला था। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पर 0 हुआ है, क्योंकि बॉडी 2 मीटर पर थी, 2 मीटर पर ही खड़ी है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो हमारी वेलोसिटी 0, तो ये हमारी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कहाँ रहेगी, हमारी इसी एक्सिस पर रहेगी। नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी ही 0 है तो उसमें चेंज क्या आया, 0, तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ किसके अलोंग आएगा, हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग, 0 जो हमारी लाइन थी एक्स एक्सिस उसके ऊपर रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी किस पर, हम बात करेंगे जो है जब ये हमारी जो रेस्ट बॉडी थी ये बॉडी क्या करने लगे, यूनिफॉर्मली मोशन करने लगे। मान लीजिए इसका जो सेकंड केस है, यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट जो हमारा केस है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो यूनिफॉर्म मोशन जब होगा, मान लीजिए कोई बॉडी है और वो किसी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है वो डायरेक्ट मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, इस स्पीड से चल रही है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड मान लेते हैं कि वो इस स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, अभी हमने पढ़ा ना सर्कुलर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो यूनिफॉर्मली मूव करेगी किसी स्पीड से, तो कॉन्स्टेंट स्पीड है, कॉन्स्टेंट स्पीड कितनी हमारे 2 मीटर पर सेकंड है, इस स्पीड से इस मूवमेंट से वो जो मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो इस चीज़ को हम कैसे डिनोट करेंगे हमारे ग्राफ में, पहले हम इस वेलोसिटी वाले ग्राफ को देखते हैं। हमने जब नोट करना स्टार्ट किया, मान लीजिए हमने जब देखा कि वो 2 मीटर पर सेकंड पर मूव कर रही है, वो कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व करेंगे उसी के बाद तो हम बताएंगे कि हाँ वो मूव कर रही है। तो मान लीजिए जब हमने स्टार्टिंग की तो वो कहाँ थी हमारी, 0 पर 2 मीटर पर थी, वही सेम ग्राफ होगा जो पिछले अभी रेस्ट पोजीशन में हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बना था। तो यहाँ से हमारा 1 सेकंड पर देखेंगे तो भी वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, तो यहाँ से भी हमारे पास कैसी लाइन आ जाएगी, ये आ गई जी,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब चेंज इन वेलोसिटी तो हमारा क्या था, एक्सेलेरेशन थी, तो 2 मीटर के हिसाब से वो लगातार कंटिन्यूसली चल रही है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। कोई हमारी बाइक है, कोई स्कूटी है, उसको हम चलाते हैं, उसकी स्पीड को हम अगर कॉन्स्टेंट रखते हैं तो उसकी एक्सेलेरेशन क्या आएगी, हमारी जीरो आएगी। एक्सेलेरेशन जीरो आएगी तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, वही सेम जो पिछला आया था, किसके अलोंग, हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग, स्ट्रेट लाइन, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ हो गए। अब आते हैं हमारी पोजिशन पर, तो पोजिशन क्या होगी, मान लीजिए हमारी बॉडी जब जीरो पोजिशन पर थी, जीरो टाइम के साथ, तो वो यहाँ थी क्योंकि वो रुकी हुई थी, कोई पोजिशन जो कवर नहीं कर रही थी, कोई जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल नहीं कर रही थी। फिर हमने उसको जो है स्पीड दी, और स्पीड कितनी दी, 2 मीटर पर सेकंड की, तो पहले सेकंड में वो कितने मीटर पर चलेगी, वो यहाँ चलेगी, मान लीजिए 2 मीटर पर चली गई। अब हमने नेक्स्ट 2 मीटर, नेक्स्ट जो सेकंड थी हमारी, जो 2 सेकंड हुई उसकी, तो उस पर क्या हुआ हमारा, हमारी बॉडी इस 2 से, क्योंकि यहाँ तक तो आ गई ना, यहाँ से चल करके पहले सेकंड में यहाँ आ गई हमारी बॉडी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है, एक सेकंड के बाद और ऐड करना है, कितना हमारा 2 मीटर फिर ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो फिर 2 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, तो यहाँ से हमारे पास कितने में चली जाएगी, वो यहाँ 4 पर चली जाएगी, ये आ गया जी, ठीक है। इसको आप स्केल से अच्छे से ड्रॉ करेंगे, दोनों पॉइंट्स जो है बराबर, जो इनका डिस्टेंस है वो लेंगे, तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर उसके बाद ये 4 पर आ गई 2 सेकंड के बाद, फिर 3 सेकंड में हमने क्या दिया, फिर 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गाड़ी चली है, तो बॉडी जो मूव की है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसमें 2 मीटर का और ऐड हो जाएगा, ये आ गया जी। अब उसके बाद फिर वो 4 पर आई, तो फिर से वही बात है कि वो फिर से मोशन करेगी, ठीक है, वो मोशन करेगी तो 4 के लिए क्या करेगी, वो फिर 2 मीटर और आगे चल जाएगी, तो उस 2 मीटर का और डिस्टेंस वो जो है वो ट्रेवल करेगी, और ये ऐसे जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये हमारा क्या होगा, इसका पोजिशन टाइम ग्राफ होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। जब आप स्केल से पेंसिल के साथ ड्रॉ करेंगे तो आपका अच्छे से बनेगा, यहाँ मेरा रफली बन रहा है क्योंकि जो ये पॉइंट्स हैं, ये इनका जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो ऐसा हमारा पोजिशन ग्राफ आएगा, बिल्कुल ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर हमसे कहा जाए कि बॉडी कोई एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही हो, ये हमारा थर्ड केस। तो यूनिफॉर्मली जब एक्सेलरेट हो रही है, मान लेते हैं कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से जो है वो बॉडी वो मूव कर रही है, वो हमारे अंदर सामने क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से वो काम कर रही है, तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो वही चीज जो कॉन्स्टेंट हमारा इन दोनों में आया था स्टार्टिंग में, क्योंकि इसका जो चेंज है हमारा, एक्सेलेरेशन क्या होती है हमारी, चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर फाइनल और इनिशियल का जो हमारा रेशियो है, यूं कहें तो डिफरेंस है, वो कॉन्स्टेंट दिया हुआ है 2 मीटर। तो पहली बात तो ये कि हमारी 2 वेलोसिटीज थी, फर्स्ट जो वेलोसिटी मान लीजिए 2 थी, नेक्स्ट क्या होगी हमारी, 4 होगी, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो क्या है हमारा, 4 माइनस 2 का आएगा, तो ये कॉन्स्टेंटली जो है हमारी मूव करेगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 0 टाइम पर था तब भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो उसकी एक्सेलेरेशन आई थी, 1 पर है तो भी, 2 पर है तो भी, 3 पर है तो भी, और 4 पर है तो भी, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलेरेशन टाइमिंग ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं हमारे किस में, हमारी वेलोसिटी के, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा हमारा, ये वेलोसिटी का हमारा ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइमिंग का। क्यों होगा, हमारा हर बार जो डिफरेंस है वो कितना था, 2 का था, एक्सेलेरेशन से हमने नोट किया, फाइनल माइनस इनिशियल किया, तो वही अगर हमने फर्स्ट जब जीरो जब हमने हमारी इस एक्सेलेरेशन को जो है नोट करना स्टार्ट किया, फर्स्ट जो कहें कि फर्स्ट पोजीशन पर, तब हमारा क्या था, इस 0 सेकंड पर हमने नोट किया तो कितना मिला, जब वो बॉडी चल रही थी, नेक्स्ट जब हमने देखा कि 1 सेकंड के बाद वो कहाँ चली गई, वो 2 मीटर पर चली गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 0, तो हमारी एक्सेलेरेशन कितनी आई, 2 की आई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टी टाइम था 1 से 2 के बीच में, तो 2 पर नोट किया, 4 आई,
चार, और जो चली कहाँ से थी, इनिशियली एक से चली थी, एक पर कितनी थी, 2 मीटर पर थी, तो 2 से यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना है, हमारा ये भी 2 आ गया। तो ऐसे करते रहेंगे तो इस वजह से हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसे जाएगा, ऐसे ये इंक्रीजिंगली जो है अपवर्ड जो है उसको, उसका जो स्ट्रेट लाइन जो है वो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारी पोजिशन टाइम पर। तो हमारी पोजिशन जो है मान लीजिए वो किससे चली, किसी स्पीड जो थी हमारी वो कॉन्स्टेंट थी, क्योंकि हर बार वो इंक्रीज हो रही थी, तो कितनी हो रही थी, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट थी हमारी, तो इसकी वजह से जो हमारी स्पीड हर बार क्या चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो फर्स्ट मान लीजिए कि वो 2 पर है, ठीक है, ये गई जी वो 2, ठीक। अब नेक्स्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 2+ हो रही है, तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4। जब ये 2 सेकंड पर पहुंचेगी तो हमारी बॉडी कहाँ होनी चाहिए, 6 पर आ जाएगी, क्योंकि 4 का और जो उसकी पोजीशन में चेंज आएगा अगले ही सेकंड में कितना यहाँ चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, तो वो कितना आ गई, ये आ गई 6 पर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी क्या होगी, तीसरी आई जब, तो वो 3 पर कहाँ चली जाएगी हमारी। तो ये जो ग्राफ होगा हमारा ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसे जो बॉडी है हमारी वो कैसे चेंज होती चली जाएगी, इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल इसका स्ट्रेट था, सीधा जा रहा था, इसका जो है एकदम से जो है वो अप होगा। क्यों होगा, 2 पर वो 6 में चली गई हमारी, 3 पर वो कहाँ चली जाएगी, 12 पर चली जाएगी, क्योंकि पहले वो कहाँ थी, पहले सेकंड में वो 2 मीटर चली थी, नेक्स्ट सेकंड में वो 4 मीटर चलेगी, अब उसमें फिर 2 हो रहा है तो प्लस फिर 2 हो जाएगा। तो पहले हमारे पास कितना था, 2 पर थी वो 1 सेकंड के बाद, अब इसमें कितना हो गया, हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, 2+2 4 हो गई, तो अभी अगले सेकंड में कितना कवर करेगी, 6 करेगी, नेक्स्ट टाइम में हमारी फिर वेलोसिटी जो है वो 2 से बढ़ गई, तो यहाँ कितना हो गया, +6 फिर देगी, ऐसे करके जब मूव करेगी तो हमारा जो टाइम के साथ जो पोजिशन है वो कितना एकदम से अप होता चला जाएगा। पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 4 से कितना सीधा हमारा आगे, फिर हम उसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारी जो वेलोसिटी चेंज हो रही थी, 2 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ, तो ऐसे आगे कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या था, पोजिशन टाइम ग्राफ था। आज की जो हमारी क्लास है इसमें बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा कल का, उसमें हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एक जो हमारी है क्वांटिटी दी हुई है, रिटार्डेशन जो हमने वो सेकंड लेक्चर में जो है एक्सेलरेशन जहाँ पर डिस्कस करी थी वहाँ पर डिस्कस की थी, पहले आप वो पढ़िए, उसको देखिए कि रिटार्डेशन एक्चुअल में है क्या चीज़, फिर उसके बाद हम आपको जो ये ग्राफ है इसको अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप पहले सेकंड लेक्चर जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देखिए। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई, अच्छे से समझ में आई, तो आप हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम, इसके साथ हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, और इसी ग्राफ के बेस पर 1-2 क्वेश्चन भी हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू क्लास, और साथ ही आने वाले वीडियो जो भी आएगा, आने वाला जो लेक्चर आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।